रिकॉर्ड बनने और बयान नहीं किए जा सकते। एक ही टीम ने एक ही सीजन के अंदर 3 दफा 260 प्लस बोर्ड के ऊपर लगा दिया है। आज का मैच तो नहीं हुआ, इट वॉज इन मेहम जिसको आप कहते हैं, मैं क्या कहूँ, फ्लड गेट्स ओपन हो गए रन के, अंबार लग गए और सनराइजर हैदराबाद को ट्रॉफी दे दो भाई, इनको ट्रॉफी दे दो, इनका हक बनता है। पावर प्ले के अंदर रिकॉर्ड बना के रख दिया, 125 छह ओवर के अंदर उन्होंने मार दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे बना है कि 125 पावर प्ले में कभी भी नहीं बना, कभी भी नहीं बना, और ये सिर्फ आईपीएल का रिकॉर्ड नहीं है, बाकी भी जहां पे भी T20 क्रिकेट कहीं भी खेली जाती है, इतने ओवर के बाद 6 ओवर के बाद 125 नहीं बने, तो ये वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जनाब, 125 6 ओवरों के बाद। यार सनराइजर तो भाई तबाही का दूसरा नाम बन चुका है, यकीन करो जब भी इनका मैच होता है ना हमें कुर्सियां बांधनी पड़ती है, हमारे कुर्सियों के नीचे ऐसा लगता है रॉकेट आ गए भाई, हम हर बाल के ऊपर भाई चौके छक्के आज भी देखा आपने, हर बाल के ऊपर चौका छक्का भाई, सिंगल डबल तो है ही नहीं, पहले 10-11 ओवरों के अंदर सिंगल डबल है ही नहीं, इतना मारा है वो पागल हो गया। व्हाट्सअप क्रिकेट लवर्स, भारत आईपीएल बज में आप लोगों का स्वागत है, यूट्यूब पर सबसे थ्रिलिंग क्रिकेट रिएक्शन के घर। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए, और मेरे क्रिकेट फैमिली के लिए लेट्स गेट द हाइप रोलिंग, लाइक बटन दबाइए अगर आप आज एक एपिक रिएक्शन के लिए पम्प्ड है। सीट्स पकड़ के रखिए क्योंकि आज हम रिएक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे चीज़ों पे जो पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग द पाकिस्तानी मीडिया को बिल्कुल सेल शॉक छोड़ गया। सलीम का मर्डर अगर आपने देखना है ना, SRH वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ये मैच देख लीजिएगा। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने बॉलर्स के लिए कबर खोद के रख दी थी भाई साहब पिच के ऊपर, पहले 6 ओवर्स में 125 रन्स, T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। सनराइज हैदराबाद वाले जिस तरीके से खेल रहे, अपने ही रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, अपने ही रिकॉर्ड बना के खुद ही तोड़े जा रहे हैं भाई, 266 बहुत बड़ा टारगेट है। शुरू में अभिषेक का जो फॉर्म चल रही है, ट्रेविस हेड की जो फॉर्म चल रही है, अमेजिंग क्रिकेटर्स दोनों, जिस तरह से अभिषेक स्टार्ट लेता है फिर उसका साथ देते हैं ट्रेविस हेड, वो 6 ओवर के अंदर ऐसा गेम कर देते हैं ना कि दूसरी टीम को आने का मौका नहीं मिलता। और बंदा पूछे कि अभी इंडिया के पास ऑलरेडी इतना प्लेयर पड़ा है, अभिषेक शर्मा को कहां एडजस्ट करेंगे लोग, अभिषेक शर्मा को ये लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, जिस किस्म की वो क्रिकेट खेल रहा है, ये क्रिकेट तो ना जायसवाल खेल रहा है ना रिंकू सिंह खेल रहा है, ये तो शुरू हो जाता है 5 ओवरों में 100 और 6 ओवरों में 125, तो यहाँ पे ये कमाल चल रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग दोनों की, इनकी ओपनिंग जोड़ी अब अभिषेक की और ट्रेविस हेड की, ये अल्फाज में बयान नहीं कर सकते जो ये कमाल कर रहे हैं और अपनी टीम को जिस लेवल पे ये लेके जा रहे हैं। क्योंकि एक टाइम में प्रोजेक्टेड स्कोर जो था ना वो 417 बताया जा रहा था, 417, 300 भी कभी नहीं बना, लेकिन 417 बताया जा रहा था जब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे थे। बेन कमिंग्स ने कहा था कि हम वो क्रिकेट खेलेंगे, हमारे जो ऑपोजिशन होगी वो हमसे डरेगी, तो हमारे खिलाफ खेलने आएगी, और डरा के रख दिया यार, पावर प्ले के अंदर रिकॉर्ड बना के रख दिया, 125 छह ओवर के अंदर उन्होंने मार दिया। ट्रेविस हेड तो हमें पता है कि तेज खेलता है, लेकिन ये अभिषेक शर्मा कहां से आ गया, अभिषेक शर्मा 12 बॉलों के ऊपर 46, ट्रेविस हेड 89 मार के चला गया, और सनराइजर हैदराबाद को ट्रॉफी दे दो भाई, इनको ट्रॉफी दे दो, इनका हक बनता है। ऐसी खतरनाक, ऐसी फियरलेस, ऐसी अटैकिंग क्रिकेट पूरे मैंने आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर ही देखी जो ये लोग करके दिखा रहे हैं। एक दफा होती है बंदा कहता है तुक्का लग गया, दो दफा होती है चलो हो गया, तीसरी दफा जो ने कर दिया, 30 बॉलों के ऊपर 100 रन हो गए थे, कोई रिकॉर्ड नहीं है, इतने रिकॉर्ड इन्होंने बना दिए और मजा आ रहा है देखने का भाई। मुंबई चेन्नई और आरसीबी की फैन फॉलोइंग बहुत होगी, लेकिन मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं, इस सीजन के बाद से सनराइजर हैदराबाद की जो फैन फॉलोइंग बननी है ना उसका मुकाबला नहीं होगा। हेनरी क्लोसन को छोड़ो, पेट कमिंस को छोड़ो, इधर तो शहबाज अहमद नहीं मान, शहबाज अहमद ने भी आके 50 मार दिया, अभिषेक शर्मा, मैं तो ये सोच ही नहीं सकता था कि ये लड़का ऐसी बल्लेबाजी कर सकता है। और बंदा पूछे कि अभी इंडिया के पास ऑलरेडी इतना प्लेयर पड़ा है, अभिषेक शर्मा को कहां एडजस्ट करेंगे लोग, अभिषेक शर्मा को ये लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, जिस किस्म की वो क्रिकेट खेल रहा है, ये क्रिकेट तो ना जायसवाल खेल रहा है ना रिंकू सिंह खेल रहा है, ये तो शुरू हो जाता है, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बना दिया है, कोई एक रिकॉर्ड तो बंदा के एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बना दिया है। सनराइजर हैदराबाद ने तबाही मचा के रख दिया है इस आईपीएल के अंदर, और ये पकड़े नहीं जा रहे, ये नहीं पकड़े जा रहे, मैं दोबारा कहूंगा इनको ट्रॉफी दे दो, इनका हक बनता है। ऐसी क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा राजस्थान, बेशक कोई मैच नहीं हारा, लेकिन जो राजस्थान क्रिकेट खेल रहा है उससे भी ज्यादा खतरनाक ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो किसी भी टीम को डगर देंगे। इस आईपीएल के अंदर जो जो चीजें हो रही हैं वो आज से पहले किसी आईपीएल के अंदर नहीं हुई हुई, सेंचुरीज भी आ रही है, हाई स्कोर मैचेस भी हो रहे हैं, चेज भी हो रहे हैं, फाइनल ओवर्स भी हो रहे हैं, फाइनल बॉल थ्रिलर भी हो रहे हैं, एक एक चीज हो रही है, और मैं तो शौक रहा, साफ सी बात है, हम लोग इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम किससे क्रिकेट खेल रहे हैं, हम न्यूजीलैंड की सी टीम से क्रिकेट खेल रहे हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त आईपीएल के अंदर क्रिकेट खेल रही है और हाई लेवल की क्रिकेट हो रही है।
हाँ आपने सही देखा, इवन द प्रोस कांट बिलीव व्हाट वेंट डाउन इन द आईपीएल 2024 मैच बिटवीन एसआरएच एंड दिल्ली कैपिटल। लेकिन उससे पहले आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, सबसे क्रेजी क्रिकेट मोमेंट जो आपने देखा है वो क्या है? कमेंट में अपना जवाब छोड़ दे और बात करते हैं। ऑल राइट टीम, चलो ब्रेक करते हैं। एसआरएच ने सिर्फ एक नया रिकॉर्ड सेट किया, उन्होंने स्पोर्ट में एक शॉकवेव भेजा, और हम यहाँ हैं हर सिक्स, हर बाउंड्री और हर जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट का रिएक्शन करने के लिए। अनदर डे अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड शटर्ड बाय एसआरएच, द वे दे आर प्लेइंग दे हैव बिकम वेरी वेरी डेंजरस। तो पिछले मैच में ही बात हो रही थी जनाब, ट्रैविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच वगैरह मिलने के बाद कह रहे थे कि जी हम तो अब 300 को टारगेट करेंगे। तो अपनी बात में वो सच्चे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे बना है कि 125 पावर प्ले में कभी भी नहीं बना, कभी भी नहीं बना, और ये सिर्फ आईपीएल का रिकॉर्ड नहीं है, बाकी भी जहां पे भी T20 क्रिकेट कहीं भी खेली जाती है इतने ओवर के बाद, 6 ओवर के बाद 125 नहीं बने। तो ये वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जनाब, 125 6 ओवरों के बाद, अनबिलीवेबल यार। पावर प्ले में हम कहते हैं 70-80, आहा, और इससे बढ़ के क्या होगा। 5 ओवरों में 100 कर दिया भाई, 5 ओवरों में 100 और 6 ओवरों में 125। तो यहाँ पे ये कमाल चल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिटिंग दोनों की, इनकी ओपनिंग जोड़ी अब अभिषेक की और ट्रैविस हेड की, ये अल्फाज में बयान नहीं कर सकते जो ये कमाल कर रहे हैं और अपनी टीम को जिस लेवल पे ये लेके जा रहे हैं। आमतौर पर तो ये पावर प्ले में ही गेम में इतना आगे ले जाते हैं अपनी टीम को कि दूसरी टीमें फिर कैचिंग गेम खेलती रहती है, कैचिंग गेम। तो ट्रैविस हेड, नॉट ओनली ट्रैविस हेड, अभिषेक ठीक है वो 100 कर रहा है, 80 कर रहा है, तो ये भी 40-50 जो जिस रफ्तार से कर रहा है उसको मैच करता है, उसी किस्म की स्ट्राइक रेट से खेलता है, अनबिलीवेबल किस्म के स्ट्राइक रेट से खेलता है, 10 गेंदें 40, 11वीं पे छक्का और 12वीं पे आउट। तो अभिषेक वो भी किसी से कम नहीं है। तो अपने ये जो बच्चे हैं यंगस्टर्स, दे आर प्रेसिंग देयर केस, यहाँ भाई वर्ल्ड कप के लिए हम भी पड़े राहों में, कोई हमारी तरफ भी देखो, तो ये बहुत शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का पावर प्ले था, उससे अगले ओवर में फिर जाके ब्रेकें लगी, और लेकिन तब तक मेरे ख्याल में इन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन 266 बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा, बहुत माउंटेन एवरेस्ट वाला टोटल नजर आ रहा है। और ये सनराइजिंग हैदराबाद ना मुझे लगता है आईपीएल की मोस्ट फेवरेट टीमों में से एक टीम है। तो एक जाता है ट्रेविस हेड जाता है तो क्लेसन आ जाता है, क्लेसन जाता है तो अभिषेक शर्मा आ जाता है। यार इस तरह की धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं यार, और बॉलिंग में भी आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रही यार ये करना क्या चाह रहे हैं। दोनों ने अच्छी पार्टनर, 6 ओवर में 125 स्कोर कर गए, और उन्होंने ये भी हिस्ट्री बनाई है, देखे इतना हाईएस्ट स्कोर किया 6 ओवरों के अंदर, पावर प्ले के अंदर इतना स्कोर कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह शुक्र सर। आज एक और हमें जो है शानदार मुकाबला देखने को मिला है, सनराइजर हैदराबाद जो है तबाही का दूसरा नाम बन चुकी है। ट्रेविस हेड की बात करते हैं, अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, उसके बाद जो है शहबाज अहमद की बात करते हैं, जो भी आता है उसने छक्कों की बरसात कर दी है। तो क्या कहेंगे आज के आउटस्टैंडिंग मुकाबले पर? यार सनराइजर्स को क्या हो गया, खुद ही रिकॉर्ड बनाती है, खुद ही तोड़ती है। ये वो वही टीम है जिसको अपने अपने जो इनका अपना रिकॉर्ड होता है उसी का रिकॉर्ड टूटने का डर होता है कि भाई आज भी हमने कहा 287 इनका पहले रिकॉर्ड है, लगता है आज 287 भी इनका रिकॉर्ड टूट जाएगा। बिल्कुल 300+ भाई, शुरू में तो पागल ही कर दिया था उन्होंने, ट्रेविस हेड ने मार मार चौके, मार मार छक्के, मार मार चौके, मतलब 20-22-25 से नीचे वो बंदे आए ही नहीं है। ठीक है वो तो चलो ठीक है, ट्रेविस हेड तो मान लिया ठीक है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जो साथ भाई साथ दिया ना, तो 12-13 ये 14-15 बालों पे वो 40-50 करके गया, 12 बालों पे 40 करके गया भाई, उसने जो चक्के मारे हैं, उसने जो चौके मारे हैं। ट्रेविस हेड तो ठीक है, एक तरह से मार रहा था, वो तो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन इंडिया का यंग टैलेंट इस तरह भाई परफॉर्म कर रहा है, इस तरह की भाई वहाँ पे धुएंदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, देख के मजा आ गया। बिल्कुल सर ऐसा ही है, अभिषेक शर्मा की जो है तारीफ करना बनती है, ट्रेविस हेड जो है उससे भी ज्यादा फास्ट खेला है। ट्रेविस हेड ने 20-22 बॉलों पर जो है 60+ रन बनाए हुए थे पावर प्ले के अंदर, और इसने जो है 12 बॉलों पर 46 रन बना दिए जिसके अंदर 6 छक्के शामिल थे। भाई यकीन करो आज अगर कुलदीप वो विकेट ना लेता तीन, बिल्कुल यकीन करो आज 300+ स्कोर नजर आ रहा था, 400 तक तो जाता ना, ज्यादा 300+ लाजमी चले जाना था। यकीन करें मैं तो हर बॉल के ऊपर मतलब की आवाजें निकल रही थी कि आज ट्रेविस हेड को क्या हो गया, आज अभिषेक शर्मा को क्या हो गया। उसके बाद वो तो चलो ठीक है थोड़ा सा दरमियान में स्कोर हुआ, लेकिन दरमियान में नितेश रेड्डी साहब आ गए, नितेश रेड्डी तो भाई 24 घंटे रेड्डी, उसने कहा भाई ठीक है वो तो तुम दिन आगे गया भाई मेरी बारी अभी रहती है, उसने भी सही तरह तुना भाई दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स भी कहती होगी भाई किधर आके फंस गए हम, किस टीम के आके फंस गए हैं भाई, कमाल आज। उसके बाद नितेश रेड्डी के बाद एक और नीचे शहबाज अहमद, शहबाज अहमद आज को नया प्लेयर निकला है यार भाई, आईपीएल की सबसे बड़ी टीम जो है ना वो सनराइजर्स। वाओ क्या राइट थी,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन स्मैश करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स मत भूलिए, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आता है और मैं जितने भी कमेंट्स हो सके उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, तो कीप देम कमिंग। याद रखें, ये है भारत IPL बस, जहाँ हम मोमेंट्स के लिए जीते हैं, और सब्सक्राइब करें और रिएक्शंस के लिए, और अगले बार तक क्रिकेट का जुनून बरकरार रखिए।